इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मरखा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल TCF प्रतीक मलिक पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के स्तर के बारे में। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी, ये हमारा इस सीरीज का पांचवा लेक्चर है। इससे पहले हम प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और कौन कौन से कारक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे प्रभाव डालते हैं ये डिस्कस कर चुके हैं हमारे बाकी के चार लेक्चर में। अगर आप यूपी टेट या फिर जो आने वाला हमारे एनवीएस की परीक्षाएं हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हम हमारे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जो हमारे वृद्धि और विकास के स्तर हैं। देखिए, ये हम सबको पता है कि चार मुख्य भागों में बांटा गया है हमारे इनको, स्टेजेस को। सबसे पहली होती है हमारी जो जन्म के पश्चात ही शुरू हो जाती है, बर्थ टू 2 ईयर्स, मतलब जन्म से 2 साल तक, इसको बोलते हैं इन्फेंसी। और मैं हिंदी में बोलूँ तो इन्फेंसी को बोलेंगे शैशवावस्था। और उसके बाद हमारी जो दूसरी स्टेज है वो जन्म के 2 साल बाद से लेके 6 साल तक चलती है, 2 ईयर्स टू 6 ईयर्स तक, अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बालावस्था। और तीसरी स्टेज हमारी 6 से 12 वर्ष तक चलती है, जिसे हम बोलेंगे लेटर चाइल्डहुड। चौथी हमारी स्टेज है जो 12 से 19 वर्ष तक चलती है, एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था। अब इस वीडियो में हम खाली आज डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे इन्फेंसी स्टेज के बारे में, इन्फेंसी के बारे आज में हम डिस्कस करेंगे, इसमें शैशवावस्था के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जब जन्म के बाद से और 2 साल तक बच्चे का क्या क्या फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कि क्या क्या उसके शरीर में शारीरिक चेंज आते हैं बच्चे के शरीर में, तो अब देखिए इसमें कुछ आपको बिल्कुल फैक्चुअल बेस पे मिलेंगे, जो आपके पूछे गए थे पीछे DSSSB के हुए एग्जाम में, और मैंने यूपी टेट के पेपर भी देखे हैं, उसमें भी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि 2 से 3 महीने में बच्चा कौन सी एक्टिविटी शुरू करता है। तो सबसे पहले कि जो बच्चे हैं इस टाइम पे अपना इंटरेक्ट करते हैं एनवायरमेंट के साथ, किससे, सेंसेस से। जो हमारी सेंसेस होती हैं, ज्ञान इंद्रिया, उनका प्रयोग करके बच्चे हमारे पर्यावरण के साथ में इंटरेक्ट करके सीखना शुरू करते हैं। और जो उनकी बॉडीज है वो स्ट्रॉन्गर होती है और मैच्योर होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपने कल के वीडियो में, कि जो फिजिकली बच्चा होता है पहले उसका गर्दन पे भी कंट्रोल नहीं होता, फिर पूरी बॉडी पे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, तो स्ट्रॉन्गर और मैच्योर होता है। फिर तीसरे पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि ग्रोस मोटर स्किल, जो जैसे उसकी क्राउलिंग है, वॉकिंग है, जो गुड़लिया चलता है बच्चा या फिर जो चलना शुरू करता है, वो भी इसमें जो हमारी है शैशवावस्था इसमें ही करता है बच्चा। फिजिकल एक्टिविटीज हैं जैसे कि भाई अपने सिर को होल्ड करना एक जगह पे, रोल करना, बच्चा पलटना सीखता है, गुड़लिया चलना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, और फाइनली बच्चा चलना सीखता है इसी स्टेज में। जो आर्म्स होते हैं बच्चे के वो डेवलप, मतलब उस पर उसका पूरा कंट्रोल आता है जब बच्चा 2 से 3 महीने का होता है। अब रोलिंग, बच्चा अपने स्थान पे, जैसे आपने छोटे बच्चे को देखा होगा स्टार्टिंग में, जैसे अगर 3 महीने का बच्चा तो एक जगह लेटा दिया तो लेटा ही रहेगा, पर जैसे ही 4 महीने का बच्चा हो जाएगा तो पेरेंट्स को डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं बेड पे लेटा रखा तो नीचे ना गिर जाए। किसकी वजह से? क्योंकि बच्चे को रोलिंग करनी आ जाती है 4 महीने में। 6 महीने का बच्चा बैठना सीख जाता है। देखिए बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ लिया कि रोलिंग कौन से महीने में करेगा तो 4 ही महीने होगा, उसको आप 6 महीने नहीं लगा सकते। और बैठना कौन से महीने में सीखेगा? 6 महीने में ही। फिर उसके बारे में बात कर रखी कि उसके बाद में क्रॉलिंग सीखता है बच्चा, गुड़लिया चलना सीखता है 7 से 10 महीने में, और 10 महीने के बाद में बच्चा चलना सीख लेता, मतलब खड़ा होना शुरू करता है, उसके बाद में बच्चा चलना सीख लेता है। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड मैंने आज इसमें डेटा डाला है आपका पूरा, तो आप इसको समझ लीजिएगा। 15 महीने में बच्चा सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है और फर्नीचर पे खड़ा होना शुरू करता है। जैसे ही बच्चा 24 महीने का हो जाता है वो अपने प्लेस पे ही जंप करने लग जाता है और इधर उधर घूमने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है बच्चा। तो ये बात थी हमारे फिजिकल डेवलपमेंट की, कि कौन से महीने में बच्चा क्या करना सीखता है। बिल्कुल याद रखिएगा इसको, जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल अंडरलाइन करके बताया, ये अपने पास आप नोट भी कर लीजिएगा इसको, कि कौन से महीने में बच्चा क्या सीखता है। अब बात करते हैं हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की, मतलब भाषा विकास कैसे होता है शैशवावस्था में बच्चे का। इन्फेंसी की ही बात होगी आज के इस वीडियो में, कि अब देखिए क्राइम, पैदा होते ही बच्चा रोने लग जाता है, पर ये वाला जो पहले महीने में रोता है अभी अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, कि बच्चे को नहीं पता होता कि भाई अब वो भूख लगने के लिए कैसे रोएगा,
अपनी मम्मी को बुलाने के लिए कैसे रोएगा, तो यहाँ पे अनडिफ्रेंशिएट क्राइंग होता है, बच्चा एक तरीके से रोता है। अब कूइंग का मतलब होता है कि आप रो रहा है बच्चा, पर अलग-अलग तरीके से रो रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएटेड क्राइंग आ जाता है हमारा, कि बच्चा अलग तरीके से रो रहा है, डिफरेंट तरीके से रो रहा है, कि अगर उसको भूख लगी होगी तो अलग तरीके से रोएगा, उसको केयर गिवर की जरूरत होगी, अपने पेरेंट्स को पास बुलाना होगा तो अलग तरीके से रोएगा। अब बैबलिंग में क्या होता है कि जैसे बच्चा कॉन्सोनेंट प्लस वोवल को जोड़ के बोलना शुरू कर देगा धीरे धीरे, 6 महीने तक आना शुरू होता है, जैसे बा बा ऐसे ऐसे बच्चा करने लग जाएगा, का कि जैसे एक कॉन्सोनेंट हो गया, एक हमारा वोवल हो गया, इस दोनों को बोल के जोड़ना शुरू कर देता है बच्चा, ठीक है। अब आपने बैबलिंग की बात कर ली, तो बैबलिंग को अगर मैं बोलूं तो इसको बोलते हैं हमारा शब्द अनुकरण करना। अब इको ले लिया, अब इको ले लिया और बैबलिंग में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बैबलिंग का मतलब है कि बच्चा गैप दे दे के बोल रहा है, जैसे का, फिर थोड़ा थोड़ा गैप दिया, फिर बोला का, जैसे पा, थोड़ा थोड़ा गैप दे के ऐसे ऐसे कुछ भी मतलब बोलेगा, पर उसमें क्या होगा, आपका एक कॉन्सोनेंट जरूरी है और एक आपका एक वोवल जरूरी है। पर जो आपकी इको ले लिया, जो ये वाली स्टेज है जो 9 महीने में बच्चे की डेवलप होती है, इसमें बच्चा क्या करता है, पूरा बड़बड़ाना बोलते हैं इको ले लिया को, हिंदी में बड़बड़ाता रहेगा, जैसे का मामा 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 ऐसे बड़बड़ाना शुरू कर देता है बच्चा। अब होलो फेज को अगर हम बोले तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक शब्द में बच्चा अपनी बात कहना शुरू कर देता है, ये जब 1 साल का बच्चा होता है तो उसको इतना बोलना आ जाता है, एक शब्द में बच्चा बोलेगा, जैसे बच्चे ने बोल दिया पानी, तो अब उससे उसका मतलब ये हो जा, ये भी हो सकता है कि भाई उसको पानी चाहिए पीने के लिए, ये भी हो सकता है कि फर्श पे पानी गिरा हुआ है, तो यहाँ पे बच्चा सिर्फ अपनी एक शब्द में बात कहेगा, बाकी पेरेंट्स को समझना है कि वो कौन से पानी की बात कर रहा है या वो किस चीज की बात कर रहा है, तो इसको बोलेंगे होलो फेज, जिसमें बच्चा एक ही शब्द में अपनी बात करना शुरू कर देते हैं, इसको बोलते हैं एक शब्द वाला संबोधन, बच्चा अपनी बात एक शब्द में ही बोलता है, इसको वन वर्ड स्पीच भी बोला जाता है। अब देखिए लास्ट जो हमारा है इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट में इन्फेंसी के लिए, टेलीग्राफिक स्पीच। अब टेलीग्राफिक स्पीच को हम ना टू वर्ड स्पीच भी बोलते हैं, यहाँ बच्चा दो शब्दों का यूज करना शुरू कर देता है, जैसे जो हम बोलते हैं सिंपल फेजेस का यूज करना शुरू कर देगा बच्चा, यहाँ पे चीजों को छोटा करके बताना शुरू कर देगा, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक शब्द में बोल रहा था, यहाँ पे बोलेगा पीने का पानी, अब वो यहाँ पे आपको क्लियर कर देगा कि पानी वो किस चीज के लिए बोल रहा है, यहाँ पे दो शब्द में अपनी बात बोलेगा, इसको इसीलिए टेलीग्राफिक बोला गया कि जो हम टेलीग्राम लिखते थे उसमें बहुत कम शब्दों में अपनी बात को लिखते थे, तो यहाँ पे भी बच्चा दो शब्दों का यूज करके अपनी बात को बोलेगा। इसके बाद में आपकी कॉम्प्लेक्स स्टेजेस शुरू हो जाते हैं, जिसमें बच्चा पूरा पूरा वाक्य बोलना शुरू करता है, वो आपका आता है अर्ली चाइल्डहुड में जाके। तो ये थी आपकी इन्फेंसी में कैसे कैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, इसमें भी आपको जरूरत है ये देखने की, जैसे कि डिफ्रेंशिएटेड क्राइंग कूइंग 3रे महीने में आती है, बैबलिंग 6ठे महीने में आती है, फिर बड़बड़ाना इकोलेलिया बच्चा 9वें महीने में शुरू करता है, होलो फेस पहले साल में, और फिर टेलीग्राफिक स्पीच जब 1.5 साल का बच्चा हो जाता है वो शुरू कर देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आए हमारी वीडियोस में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका डाउट डेफिनेटली क्लियर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, मानसिक विकास के यहाँ पे। अब देखिए फिजिकल डेवलपमेंट, जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है, वो तो हम बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि भाई हाँ बच्चे का वेट बढ़ गया, पाउंड्स में नाप लिया, हाइट बढ़ गई, इंचेस में नाप ली, पर ये जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, ये हम बच्चे का नाप नहीं पाते उस स्टेज में, क्योंकि ये शो नहीं होता, बाहर की तरफ नहीं दिखता है कि भाई हाँ बच्चे ने क्या सीख लिया क्या नहीं सीखा। तो इसमें देखिए प्याजे का नाम बहुत आता है, जो हमारे महान मनोवैज्ञानिक हुए जीन प्याजे, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अपनी थ्योरी दी थी, जो हम पढ़ते भी हैं प्याजे की थ्योरी, तो उसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया ना कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उसमें इन्होंने बताया था कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, वो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर शो करते हैं अपना, कि जैसे यॉवनिंग, ब्लिंकिंग, ग्रास्पिंग, जैसे पकड़ना, जमाई लेना, ये सब क्या है, रिफ्लेक्सेस, कि अब बच्चा जो काम कर रहा है वो उसको सोच के नहीं करता है, बस उसको फॉलो करता रहता है, वो उसका इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, उसके हाथ में नहीं होता स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे बच्चे को प्याजे ने बताया कि इसके बाद में वॉलेंट्री एक्शन शुरू हो जाता है।
अब पियाजे के अनुसार इसमें आपका दो माइलस्टोन अचीव करता है बच्चा, कहाँ पे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, इन्फेंसी स्टेज में, शैशवावस्था में। पहला क्या है हमारा? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर से मतलब है कि जैसे भाई बच्चे को कोई चीज उठानी है, कि जैसे ये बच्चा इस बेड पे है, यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे कोई बोल है, तो वो बच्चा ऐसे मतलब बेड के यहाँ पे टेबल के पास में रखे, तो बच्चा अपना हाथ बढ़ाएगा इस बोल को देख के उठाने के लिए। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, ये बच्चे का इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है कि अपने आप उसके हाथ इस बोल को उठाने के लिए पहुंच जाएंगे, नहीं, बच्चा अपनी मर्जी से काम करना सीख जाता है, गोल डायरेक्टिव बिहेवियर। पर ये आपका आता कब है? इसको स्टेज को खत्म होते होते 1.5 से 2 साल में आना शुरू होता है ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कि जो चीज बच्चे को चाहिए होगी बच्चा उसकी तरफ इशारा करेगा, उसको खींचने की कोशिश करेगा अपनी तरफ, तो यहाँ पे बच्चा अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है कि मुझे ये चीज चाहिए तो मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे बच्चे बेड पे है, यहाँ पे कुछ चीज है, अब वो सोच रहा है, अब जा तो नहीं पा रहा उसके पास में, तो उसको चद्दर को हिलाएगा कि ये मेरे पास आ जाए, कुछ कुछ करके देखेगा, तो वो अपना यहाँ पे बच्चा अपना मानसिक विकास हो रहा है बच्चे को शो कर रहा है। और दूसरा प्याजे ने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, इससे पहले बच्चे के लिए ऑब्जेक्ट परमानेंस को हिंदी में बोलेंगे वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि पहले बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं था, तो बच्चे के जो सामने प्रेजेंट है उसको लगता है कि हाँ भाई सिर्फ वही है और नहीं है, कि अगर कोई चीज सामने है तो है। जैसे कि हम छोटे बच्चे को बेवकूफ बनाते हैं कि बॉल उसको नहीं देनी होती तो बोलते हैं चिड़िया ले गई या जो भी ले गई, तो मान लेता है कि हाँ, पर अगर किसी बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई ना, फिर आप उसको अगर बोलोगे तो वो नहीं मानेगा। जैसे कि पेरेंट्स पार्क में बच्चे को ले जा रहे हैं और वो छिप रहे हैं, अगर बच्चा उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है ना, तो बच्चे में अभी तक ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप नहीं हुआ है, अभी तक बच्चा सोचता है जो है मेरी नजरों के सामने वही है। अगर बच्चा ढूंढ रहा है, पार्क में ले जा रहे हो, आप छिप रहे हो, तो बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो गए, वस्तु स्थायित्व हो गए, उसे पता लग गया कि अगर मेरी नजरों के सामने कोई चीज नहीं है, वो भी एग्जिस्ट करती है, वो भी मौजूद है इस संसार में। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि इस स्टेज भी इतना खास शो करता नहीं है बिहेवियर में, दो ही मेन है, गोल डायरेक्टिव बिहेवियर और दूसरा हमारा क्या, ऑब्जेक्ट परमानेंस। और पियाजे का बहुत अहम रोल है ये थ्योरी हमें देने के लिए कि कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यहाँ से हम समझ पाए हैं बच्चे के अंदर। अब देखिए लास्ट जो हमारा बचता है, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, संवेगों का विकास कैसे होता है। देखिए एक ये क्वेश्चन ना बड़ा पूछा जाता है कि बच्चे में क्या जन्मजात इमोशंस होते हैं, संवेग बच्चे में जन्मजात होते हैं? भाई बिल्कुल होते हैं संवेग, जैसे डिस्ट्रेस, घृणा, हैप्पीनेस, खुशी जताना, हाँ कुछ संवेग बाद में भी डेवलप होते हैं, पर बच्चे में जन्म से ही संवेग होते हैं। अब सोशल स्माइल बच्चा कौन से में, कि किसी को देख के स्माइल कब करना शुरू करेगा? 2 से 3 महीने का बच्चा होगा तो कर देगा। हंसना जोर से कब शुरू करेगा? जब बच्चा 4 महीने का हो जाएगा। 2 से 6 महीने का बच्चा अपने कौन कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस करता है? एंगर, गुस्सा, सैडनेस, उदासी, सरप्राइज, एकदम आश्चर्यजनक बिहेवियर, फियर, डर, ये अपना बच्चा शुरू करता है 2 से 6 महीने में। 5 से 6 महीने में मेनली क्या शुरू होता है? स्ट्रेंजर एंग्जाइटी। अब इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, तो जैसे कोई बाहर का आ रहा है उसे गोदी उठाने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसके पास जाने से मना कर देगा, बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा, मतलब ऐसा शो करेगा बिहेवियर, अपनी मम्मी को जोर से पकड़ लेगा जिसने भी उसको ले रखा होगा, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं स्ट्रेंजर एंग्जाइटी, कि वो दूसरे लोगों के पास जाना पसंद नहीं करता। अब 8 से 10 महीने में बच्चा क्या फील करने लगता है? सेपरेशन एंग्जाइटी। सेपरेशन एंग्जाइटी होती है कि जब जैसे उसके केयर गिवर्स उसे छोड़ के जा रहे, तो रोना शुरू कर देगा, जैसे मम्मी है कहीं पे काम करने चले गई, या फिर जिनकी मम्मी वर्किंग है, तो बच्चे 8 से 10 महीने के हो जाते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं, किसी के पास ठहरना नहीं चाहते, सोचते कि उनकी मम्मी उनके पास ही रहे। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसका भी मैं आपको रीजन बता दूं, क्योंकि अभी तक बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप नहीं हुई है, उसको ऐसा लगता है अगर एक बार मम्मी चली गई तो मम्मी वापस नहीं आएंगी, तो इसीलिए सेपरेशन एंग्जाइटी होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि भाई ये खत्म हो जाती है 2 साल तक आते आते बच्चे में, क्यों? क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। अब 9 से 10 महीने का जो बच्चा होता है ना, वो हाईली इमोशनल होता है, कि वो अपने इमोशंस को जोर से शुरू कर देगा, अगर उसे गुस्सा आएगा तो बहुत गुस्सा करेगा, उसे हंसी आएगी तो बहुत हंसेगा। तो यहाँ पे हाईली इमोशनल बच्चा कौन सी एज में होता है? आपका 9 से 10 महीने का जब बच्चा होगा। बेबीज डेवलप रिडिमेंट्री स्ट्रेटेजीज फॉर रेगुलेटिंग देयर इमोशंस, कि अब 11 महीने का बच्चा धीरे धीरे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर देता है। जेलेसी कब शो करना बच्चा शुरू करेगा? 12वें महीने में अपनी एज के।
अब 13 से जब 18 महीने की एज में बच्चा पहुंचेगा तो वही वाली बात आ गई, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो गया। इससे क्या होगा, जो बच्चे का यहाँ पे सेपरेशन एंड एंग्जाइटी थी ना अपने केयर गिवर से, वो खत्म हो जाएगी। उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ मम्मी आ जाएंगी थोड़ी देर में वापस। 2 साल तक होते होते बच्चे का अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल आ जाता है, वो अपने आप को रेगुलेट करना सीख जाता है, कोपिंग विद इमोशंस, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस में थोड़ा बच्चा यहाँ पे फर्क सीखने शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ मैं। आई होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। इसमें मैंने डिस्कस किया है जो हमारी इन्फेंसी स्टेज में, तो उसमें फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चे का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है। अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।